ज़्यादा बोलने वाले लोग किसी को पसंद आते हैं, किसी को पसंद नहीं आते हैं। और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उसके लिए उसका ज़्यादा बोलना कभी कभी फ़ायदेमंद होता है और कभी कभी उसके लिए वो नुकसानकारक भी होता है। सो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा बोलना सिर्फ बैड हैबिट है, उसका कुछ कुछ फ़ायदे भी है और कुछ कुछ नुकसान भी है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज़्यादा बोलने वाले लोगों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ज़्यादा बोलने से लोगों के फ़ायदे ये होते हैं कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो अपने आइडियाज़ खुलकर रख सकते हैं। उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या है, वो लोगों के सामने खुलकर अपनी बातें बता सकते हैं। तो ये एक ज़्यादा बोलने वालों की अच्छी बात है कि वो अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात वो है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो गलतियों से डरते नहीं हैं। कभी कोई गलती हो भी जाती है तो वो गलती से डरते नहीं हैं कि मुझसे ये हो गया, वो अपनी गलती को मान लेते हैं और वो उससे ज़्यादा घबराते नहीं हैं। और तीसरी बात वो है कि ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं वो अपनी बात मनवाने में माहिर होते हैं। वो सामने वाले से अपनी बात मनवा ही लेते हैं, कुछ भी बोल के वो अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं। तो वो भी उनमें एक अच्छी बात है। तो ये सारे हो गए ज़्यादा बोलने वाले लोगों के फ़ायदे। अब हम देख लेते हैं कि ज़्यादा बोलने का नुकसान क्या होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसका मानना ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करके सामने वाली व्यक्ति के सामने अपने आप को इंटेलिजेंट साबित कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वही इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। बोलना तो सबको आता है, लेकिन कब, कहाँ और कैसा बोलना है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसीलिए जो लोग कम बोलते हैं और सही वक्त पर सही बात करते हैं और जितनी ज़रूरी है उतनी ही बात करते हैं, वही लोग इंटेलिजेंट होते हैं। इसीलिए ज़्यादा बोलकर अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करना वो आपके लिए नुकसान है। और दूसरी बात, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और टाइम भी वेस्ट करते हैं। ज़्यादा बोलने वाले लोग बातों में इतना उलझ जाते हैं कि वो अपने सारे काम लेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक हाउसवाइफ है और आपने सुबह डिसाइड किया कि मुझे पूरे दिन में इतने काम करने हैं, लेकिन बीच में आपने किसी को कॉल किया या तो फिर किसी का कॉल आ गया, फिर आप बातें करने बैठ गए और बातें करते करते एक घंटा चला गया, फिर आपके सारे काम लेट हो जाते हैं और फिर आप परेशानी में रहते हैं कि मुझे आज इतने काम करने थे लेकिन इतने काम हुए नहीं। इस तरह से जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो बातों में उलझ जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने बोलने से अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं। और तीसरी बात, ज़्यादा बोलने वाले लोग सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप सामने वाले की बात सुनोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाली व्यक्ति कैसी है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचती है। तो इससे सामने वाली व्यक्ति की बातें आपको पता नहीं चलती है। इसीलिए ज़्यादा बोलने वाले लोग व्यक्ति को पहचानने में गलती कर देते हैं, तो वो भी एक माइनस पॉइंट है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं, उसकी बातों की वैल्यू नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो बोलता ही रहता है। और जो लोग कम बोलते हैं ना, उसकी बातों का लोग इंतज़ार करते हैं कि वो कब बोलेगा और उसकी बातों में कुछ वैल्यू होगी, ऐसा लोग मान लेते हैं। इसीलिए अगर आपको भी अपनी वैल्यू करवानी है तो ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए हम कभी कभी फास्ट रखते हैं, कम खाना खाते हैं, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हमें थोड़ा मौन रहना भी ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ज़्यादा बोलने के फ़ायदे और नुकसान। आपको क्या लगता है, ज़्यादा बोलने से फ़ायदे ज़्यादा होते हैं या नुकसान ज़्यादा होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।